ओके व्यूअर्स, टुडे डे 38। आप लोगों का प्रीवियस होमवर्क था, फर्स्ट सेंटेंस, तुमने उन्हें शिकस्त नहीं दी, यू डिड नॉट बीट देम। अगर किसी ने यू डिड नॉट डिफीट देम लिखा है तब भी सही है। उस्ताद ने सवाल नहीं पूछा, द टीचर डिड नॉट आस्क क्वेश्चन। उसने तकरीर नहीं किया, ही डिड नॉट स्पीचिफाई और ही डिड नॉट डिलीवर स्पीच, दोनों तरीकों सही है। हम उनका पीछा नहीं करते थे, वी डिड नॉट चेज देम और वी डिड नॉट फॉलो देम। फिफ्थ, उन्होंने हार नहीं माना, दे डिड नॉट सीड। अपने जुमले इन जुमलों के साथ टैली कर ली, चेक कर ली, जो जो गलतियां हैं वो निकाल दें। ओके, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है सवाल है जुमले। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हमेशा फार्मूले में सिर्फ दो चेंजेस ले आते हैं। पहली चेंज ये है कि हम जिस भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस के हम इंट्रोगेटिव हमने बनाने हो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और आखिर में एक सवाल या निशान डालते हैं। और जबकि उर्दू सेंटेंसेस फिर हमेशा लफ्ज क्या से शुरू होते हैं। अब चूंकि हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसलिए हम डिड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिड की मौजूदगी में हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। उर्दू सेंटेंसेस हमेशा, जिस भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, उर्दू जुमले हमेशा लफ्ज क्या से शुरू होंगे। अब मिसाल के तौर पर, क्या तुमने उन्हें मनवाने की कोशिश की, क्या तुमने उन्हें मनवाने की कोशिश की, डिड यू ट्राई टू कन्विंस देम। डिड यू ट्राई टू कन्विंस देम, हमेशा आपके पास एक ऐसा जुमला जिसमें दो मेन वर्ब इस्तेमाल किए गए हो, जिस तरह के क्या तुमने उन्हें मनवाने की कोशिश की। यहां पर हमारे पास दो मेन वर्ब हैं, मनवाना भी है और कोशिश करना भी है। जो मेन वर्ब है, अब मेन चीज हमारी कोशिश करनी है, तो मेन वर्ब क्या फॉर्मूले के तहत इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड वर्ब है, हमेशा याद रखिए, अगर कोई काम आप फ्यूचर में किसी काम को जाहिर करना आपका मकसद हो तो टू लगाकर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, जो बाद में फिर हम पढ़ेंगे। इस पर पूरा एक लेक्चर है, इसको हम इन्फिनिटिव यानी फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, जबकि फॉर के बाद वर्ब की आईजी फॉर्म, जिसको हम जरंड कहते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट फॉर्म के मेन वर्ब के बाद जो फॉर्मूले के तहत मेन वर्ब है उसके बाद टू लगाना है, तो फिर उसके बाद हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म आता है। सो डिड यू ट्राई टू कन्विंस देम, क्या तुमने उन्हें मनवाने की कोशिश की। या इसी तरह, क्या उन्होंने तुम्हें खेलते हुए देखा, क्या उन्होंने तुम्हें खेलते हुए देखा, डिड दे सी यू प्लेइंग। डिड दे सी यू प्लेइंग, अब इसमें आप ये जुमला तीन तरीकों से बना सकते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें खेलते हुए देखा, आप ये जुमला इस तरह भी लिख सकते हैं, डिड दे सी यू प्लेइंग, या डिड दे सी यू प्ले, या डिड दे सी यू व्हाइल प्लेइंग। तीन तरीकों से आप ये जुमला बना सकते हैं। अब अगर आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अलग मीनिंग है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो उसकी अलग मीनिंग है, आईएनजी इस्तेमाल करते हो तो उसकी अलग मीनिंग है। अब मैं तीनों लिख रहा हूं, तीनों जुमले लिख रहा हूं, डिड दे सी यू प्ले और डिड दे
see you while playing. तीनों का उर्दू उर्दू जुमला एक ही है, क्या उन्होंने तुम्हें खेलते हुए देखा? इंग्लिश में तीन तरीके हैं, डिड दे सी यू प्लेइंग, डिड दे सी यू प्ले और डिड दे सी यू व्हाइल प्लेइंग। अगर आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, डिड दे सी यू प्लेइंग, इट मींस दे माइट हैव सीन जस्ट अ ग्लैंस, उन्होंने सिर्फ वहां से वो गुजर रहे हैं तो एक नजर आपको शायद देखा होगा। जब आप किसी को एक नजर देखते हो, आप कहीं से गुजर रहे हो, किसी को कहते हुए देखकर आप आगे निकलते हैं, एक नजर आपने किसी को देखा हो तो आप हमेशा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने फुल एक्शन देखा हो, पूरा अमल देखा हो, शुरू से लेकर वो खेल रहा है, आप बैठे हुए हैं एज ए तमाशाई बैठे हुए हैं उसको देख रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक अगर आपने उसको कहते हुए देखा है तो फिर आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, डिड दे सी यू प्ले मींस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और डिड दे सी यू व्हाइल प्लेइंग, इसका मतलब उर्दू तो यही है, इंग्लिश में फिर इसकी मफहूम जो है वो चेंज है। यहां पर डिड दे सी यू प्लेइंग, क्या उन्होंने तुम्हें खेलते हुए, मतलब आप खेल रहे थे उन्होंने देखा है। आखिर में जब वाइल आता है इसका मतलब फिर ये है कि डिड दे सी यू वाइल प्लेइंग, इन दो जुमलों में आप खेल रहे हो उन्होंने देखा है, इसने फिर वो खेल रहे हैं आपको देखा है, मतलब वो खेल रहे हैं खेल के दौरान आपको देखा है, मतलब खेल भी वो खुद रहे। अगर खेल भी वो रहे हैं और खेल के दौरान आपको भी कहीं देखा है तो फिर वाइल के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वैसे आम नॉर्मली अगर आप कहते हैं कि आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, सही, तो इसका मतलब क्रॉस द रोड अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब आई सॉ हिम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरू से आखिर तक वो रोड क्रॉस कर रहा था मैंने देखा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया। और अगर आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे सड़क अबूर करते हुए देखा, तो इसका मतलब एक ग्लेंस एक नजर देखा कि वो सड़क अबूर कर रहा था। और अगर आप कहते हैं कि आई सॉ हिम व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, यहां पर फिर ये है कि मैं सड़क अबूर कर रहा था, मैंने सड़क अबूर करने के दौरान उसे भी देखा, मतलब इन तीनों में फिर ये फर्क है। ग्लेंस एक नजर देखा हो तो एनजी फॉर्म, फुल एक्शन देखा हो स्टार्ट टू एंड फर्स्ट फॉर्म, और अगर आप खुद काम करते हुए आपने किसी को देखा हो, आपने कोई काम किया हो तो वाइल के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट सेंटेंस, क्या उसने तुम्हें खामोश कराने की कोशिश की? सेकंड, क्या लोगों ने अपने हुकूक का मुतालबा किया? थर्ड, क्या उसने अपना वादा पूरा किया? फोर्थ, क्या उसने गाड़ी चलाते हुए शराब पिया? फिफ्थ, क्या पुलिस ने मुजरिमों को कैद किया? इनमें इस्तेमाल शुदा डिफिकल्ट वर्ड्स, साइलेंस खामोश कराना, डिमांड मुतालबा करना, राइट्स हुकूक, कीप वर्ड्स वादा पूरा करना, ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्रिंक शराब पीना, इम्प्रिजन कैद करना। ये एक बात याद रखें, अगर आप सिर्फ ड्रिंक कहते हो तो सिर्फ ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना, फिर वाइन की जरूरत नहीं है। इसे आप शराब के लिए वाइन इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक वाइन, फिर वाइन की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ड्रिंक कहते हो तो ड्रिंक का मतलब शराब पीना है। अगर शराब के अलावा आप कोई दूसरे मशरूब पिलाना आपका मकसद हो फिर उसका नाम लेना लाजमी है, जिस तरह के ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक टी, ड्रिंक जूस एटसेट्रा, जो भी है। यानी अगर आप मशरूब का नाम लेते हो तो फिर उसी की तरफ इशारा है, अगर आप मशरूब का नाम नहीं लेते सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक कहते हो तो सिर्फ ड्रिंक का मतलब शराब पीना होता है, फिर वाइन की जरूरत नहीं है।